गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज रोशनी रेखा टे एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स द चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स अप्लीकेशन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी कैन टेक द रिविजन ऑन पावर एंड एक्सपोनेंट. द पावर एंड एक्सपोनेंट दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. नाउ वी कैन स्टार्ट द 9th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स अप्लीकेशन. सो परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस वी कैन डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर द इंट्रोडक्शंस ऑफ परसेंटेज एंड कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज. नाउ वी कैन डिस्कस कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. Converting percentage into fraction and decimal. So, हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था? Converting fraction and decimal into percentage. Now, अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें अभी पढ़ना है converting percentage into fraction and decimal. So, हमें एक percentage की value दी हुई होगी, उसको हमें fraction and decimal में convert करना है. So, हमें example number 1 दिया है 2.5%. ओके, सो यहाँ पे परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है, तो हम परसेंट का जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? हम डिवाइड बाय 100. सो हमें परसेंट का साइन हटा के यहाँ पे डिवाइड बाय 100 लिखना है. सो हम क्या लिखेंगे? 2.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होगा? अभी ये परसेंट का, ये पॉइंट का अगर हमें डेसिमल पॉइंट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें पॉइंट अगर हटाना हो तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा. सो हमारा आंसर आएगा 25 डिवाइड बाय 1000. फिर हम 25 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, सो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/14. ठीक है, सो ये किसमें आया हमारा आंसर? स्टूडेंट, सो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं. अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन लूंगी. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 35%. यहाँ पे परसेंट साइन है, तो परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 35 डिवाइड बाय 100. ओके, सो फिर ये इसमें हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को भी. सो 5 7 एंड 5, सो हमारा आंसर आया, हमारा फ्रैक्शन आया 7 डिवाइड बाय 20. ओके, सो अभी हम लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अभी हमारे पास है थर्ड प्रॉब्लम, 7.5%. सो 7.5% को हम कैसे लिखेंगे? 7.5 डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है 7, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 7.5 मल्टीप्लाई 8 एंड 100 मल्टीप्लाई
10। तो यहाँ पे अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सो हमारा आंसर कितना आएगा, 75 डिवाइड बाय 1000। सो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 20।